हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता अपने यूट्यूब चैनल आर क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करते हैं। ये हमारा टर्टल वाइन का पौधा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चालन ग्रोथ हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया से हूँ। इनको फ्रेंड्स पिंच करते रहना और शावर धूल से 3 बार दिन में करते रहिए तो पौधे बहुत अच्छे, मिट्टी सौगी ना होने दे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे सकुलेंट्स में आते हैं तो इनकी रूट रॉट हो जाती है। इधर जेट प्लांट और स्पाइडर प्लांट रखे हुए हैं। ये हमारा रबर प्लांट का पौधा है फ्रेंड्स, इसके बगल में बम्बू का रखा हुआ है पौधा। बम्बू हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी कटिंग करके इसको 2 शेप में हम लगाएंगे, एक थोड़ा सा लंबा रहेगा बीच वाला और साइड में छोटा, तो उसको अच्छा दिखेगा। नीचे फर्न रखे हुए हैं। ये सारे पॉट हमारे फ्रेंड्स स्टैंड पे हैं। कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्टैंड पे रहे या किसी भी चीज़ पे आप ऊंचाई पे रखिए, क्योंकि जब छत गर्म हो जाती है तो गमला हीट होने के कारण पौधे थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ नहीं करते, उनको शॉक लगता है। और जितनी हमारे पास तो जो लकड़ी होती है, छोटे पॉट होते हैं, जैसे हम लगाए रहते हैं ना, तो उनको मिट्टी के ऊपर रख देते हैं तो वो मल्चिंग का भी हमारा काम करता है। ये स्नैक प्लांट है। गर्मी में फ्रेंड्स प्लांट्स को जो इंडोर हैं उनको खास तौर पे एक जगह ग्रुप में रखेंगे तो उन्हें एक दूसरे से मॉइस्चर मिलता रहता है और उनमें उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। दूर दूर करने पे गर्मी के का असर ज़्यादा होता है प्लांट्स पे। इधर एंथोरियम है ये हमारा फ्रेंड्स, धूप आती थी आपसे बताया कि कल हम लेंट लगाए हैं तो उसके कारण इसके प्लांट खराब हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अगर ये जो हमारा एंथोरियम का प्लांट है, अगर इसमें कोई बीमारी हो या आपके पास कोई सलूशन हो तो उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। इधर हमारे ये सारे इंडोर के ही पौधे हैं, हम आपको पहले ही बताएं, अंदर की साइड में भी करके हम रखे हैं और पौधे। ये फर्न हमारा है, मटकी में लगा हुआ है छोटी सी फ्रेंड, बहुत बढ़िया चल रहा है। कूलियस का आपके पास जो भी पौधा होगा इंडोर में के प्लांट्स के सामने रखेंगे तो उसका असर आता है। ये एग्लोनीमा भी हमारा देख रहे हैं फ्रेंड्स, धूप के कारण खराब हो गया, पता नहीं बचेगा कि नहीं, कोशिश करेंगे कि हम इसको बचा लें। ये जीने पे हमारा स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं, फाइनल लुक इस तरीके से आता है हमारे कॉर्नर का प्लांट यहाँ पे। रेलिंग की तरफ से हमारे पाम रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये बॉटल पाम का पौधा है, 1 से 1.5 महीने हो गए लाए हुए। ये अरेका पाम है फ्रेंड्स। इधर इसकी इसका नाम तो हमें नहीं मालूम है फ्रेंड्स, बट इसकी लीफ बहुत प्यारी लगती है। इसमें फूल निकलते हैं जैसे तुलसी जी के फूल होते हैं या देवी दौना जो कहते हैं उसके फूल होते हैं, उसी की तरह से इसमें फूल आते हैं। ये हमारे बड़े बड़े जो पाम के प्लांट्स हैं वो हैं रखे हुए हैं, और उसके बगल में ऐसे बीच बीच में छोटे प्लांट्स रखे हैं, कूलियस है, युक्का है, इस तरीके से। ये हमारा मीठी नीम का पौधा है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लगता है, आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। एकदम छोटा से में ऐसा लगता है जैसे बड़े पेड़ का लुक होता है ना, सेम वही लुक हमको दिखता है इसमें, बहुत बढ़िया लगता है। ये ड्रेसिना है फ्रेंड्स, कलश में लगा हुआ, इसको हम मटके में लगाए हैं, जो कलश रखते हैं नवरात्रि में उसी में लगाए हैं, उसके मुकड़े को तोड़ के फ्रेंड्स। ये हमारा चंपा है, इसमें बहुत ब्लूमिंग भी आ रही है, बहुत अच्छा खुशबू बहुत बढ़िया रहती है। ये हमारा बुश वाला मालती का पौधा है, व्हाइट और मैरून पे खिलता है फ्रेंड्स, अभी इसमें ग्रोथ हो रही है। ऊपर धूप में था तो बहुत बर्न हो जा रहा था, पूरा जला जा रहा था। ये हमारी तुलसी मैया है जिनकी पूजा हम करते हैं डेली। इस साइड एक लाइन में रखे हुए हमारे कुचिया के प्लांट्स हैं, तो जो कि ज़्यादा तेज धूप होने के कारण कुछ प्लांट बर्न होने लगे थे, अब वो ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।